सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं नॉर्डविन लैंड इवेंट के साथ। तो यार नॉर्डविन लैंड इवेंट में अगर हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें तो फर्स्ट पर है ओआर ईस्पोर्ट्स में टोटल ऑफ 51 पॉइंट्स, सेकंड पर है रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स में टोटल ऑफ 46 पॉइंट्स, थर्ड पर है टीम एक्सो में टोटल ऑफ 43 पॉइंट्स एंड बाकी की रैंकिंग्स ऑन स्क्रीन आप देख ही सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम टीम गॉडलाइक के बारे में। सो गॉडलाइक के रिगार्डिंग यार परफॉर्मेंस जिसको लेकर के काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी वो ब्रेक हुई है, उसी पर घातक भाई बात करते हैं गॉडलाइक की परफॉर्मेंस पर, कुछ ये कहते हैं। वीक स्टार्ट्स इस हफ्ते में देखो आपको टॉप 16 में रहना है, उसके बाद फिर फाइनल वो जो वीकेंड होगा उस पे प्रॉपर होगा। तो कैसा लगता है कि ये वाली अब जो प्रैक्टिस है गॉडलाइक एंड शैडो के साथ कैसा चेंज हो रहा है? अभी तक लैंड में आने से पहले तो अच्छा खेल रहे थे, लैंड में आने के बाद पहले 3 दिन तो इतने मतलब बढ़िया नहीं गए। वो है कि लाइक तापमान भी देख रहे ना कितना गर्म है लॉबी, कैसे चेंजेस मोमेंटम मिलने के लिए एक अच्छा मैच जो मिल जाएगा ना तो पूरे टूर्नामेंट में वो लोग अच्छा अच्छा डोमिनेट करेंगे होपफुली आज। यस एक यस यस आज देखते हैं, आज पूरे मोटिवेटेड है बंदे, आज अपना क्लच बढ़ाया नहीं हो के जगह पर, हाँ देखते हैं आज क्या चेंजेस होता है। नहीं होगा बढ़िया होगा, लाइक न्यू का भी ब्रैकिंग पोटेंशियल तो है, बट क्लच शॉट वो जो एक्सपीरियंस है वो लेके आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू ने अगर आप ऑब्जर्व करोगे 3 दिन में 11 किल मारे, अभी उसके कंपैरिजन में जिगॉट ने थोड़े से कम मारे, हां बट अभी हम लोगों ने बोल सकते हैं कि एक जुआ खेला है। इट्स अ गैम्बल, अगर लगा तो एक बढ़िया लगा मतलब नहीं उसका कैसा जिगॉट अगर मारने के मोमेंटम में आता है ना आपको भी पता है उसका गेम प्ले कैसा है, बीटीआर वगैरह को भी मार रहा है हर लोग। और क्लच गॉड और रिकॉर्ड फुट टाइम से अभी सिनर्जी की भी बात होती है, क्लच गॉड रियल टाइम रिकॉर्ड एक जिम जाते हैं एक्चुअली बहुत सारी चीजें जम गए तो जम गए जो गेम के बाहर की चीजें भी गेम पे रिफ्लेक्ट करती है आपको पता है। ये तो है, तो यस वही है, अभी अगर ये तोड़ देंगे आज तो मजा आ जाएगा। बढ़िया ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सेकेंडली स्काउट ड्यूरिंग हिज लाइफ, उनसे ये कहा जाता है कि वो सब कुछ सॉर्ट क्यों नहीं करते घातक और नियो के साथ। स्काउट सब सॉर्ट आउट कर लो ना प्लीज घातक नियो के साथ, स्माइल 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 इस कैट में क्या बताऊं, थोड़े इस टॉपिक में मेरे को बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने पहले अपने फैन से एक चीज़ प्रॉमिस किया था, 3-4 हाथ मिला चुके हैं, अब नहीं मिलाना है। अच्छा तो रहेगा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, माफ़ तो सबको कर दिया है वो तो भूलेंगे नहीं, माफ़ तो सबको कर दिया भूलेंगे नहीं। बहुत बार अपन ने सामने से हाथ मिलाया। और उनसे कहा जाता है कि क्या उनका और नियो का इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, तो वो ये कहते हैं कि जब तक कोई परफॉर्म नहीं करेगा उन दोनों का इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं है। When you say interview with Neo, why will there be an interview with Neo? क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? कौन सा हम लोग MVP बने हुए या फिर कौन सा मार रहे बहुत जो इंटरव्यू के लिए लायक है खड़े होने के लिए? जब मारेंगे तब इंटरव्यू देंगे, बिना मारे इंटरव्यू देके क्या मतलब बनता है? ऑल्सो जब उनको एक मैसेज आता है कि गिल गॉडलाइक में एज अ सीसी जॉइंड है तो वो यहाँ पर गिल के बारे में बात करते हैं। भाई गिल को क्यों नहीं लिया गॉडल वाले, भाई मेरे को नहीं पता है गिल को क्यों नहीं लिया, गिल जाने यार खराब तो लगता है। आई होप उसको एक टीम मिल जाए जल्दी खेलने के लिए। मैंने एक दो देखा था मैंने कि गिल बोल रहा था लाइनअप में वो, मेरे को पता नहीं पोस्ट तो कुछ और चीज़ किया, मैंने देखा तो नहीं था, मैंने पोस्टर पर देखा तो नहीं, गिल का फोटो तक नहीं था। वह होगा शायद, क्या पता कोई नया टीम हो। गिल को सीसी के लिए लिया है गॉडल में, ओ सब मेरे को पता नहीं था ना ये चीज़। गिल सीसी गॉडल में अगर पता था तो मैं बोलता है नहीं, मेरे को लगा ये एथलीट है ठीक है तो सीसी है तो हाँ तो सीसी थोड़ी आएगा यार स्पोर्ट्स टीम में पोस्टर पे, तुम भी कैसी बातें करते हो। अगर सीसी है, अगर हम लोग अभी जैसे कि टीएक्स में तो सीसी कोई नहीं है ऐसे ड्रिल में सीसी है तो भाई थोड़ी मांबा का फोटो लग जाएगा एसोल के इसमें, एडविट केस में, एसोल केस में। आल्सो उन्होंने शैडो को लाइव इन गेम अनफ्रेंड किया, एमसी पर वो रिस्पोंड करते हुए कुछ ये कहते हैं। अनफ्रेंड अरे बातचीत होती नहीं तो क्या रख के करे, पहले जब टीएसएम में बातचीत होती थी अब गॉडल में अगर बातचीत नहीं, उसने भी साथ पहले अनफॉलो उसने तक इंस्टा पर किया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बात अगर उसको ही एंड करना हर चीज़ तो हमने भी एंड कर दिया हर चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं लेकिन उससे पहले यार मैं आपको लोको लेजेंड्स के बारे में बताना चाहूंगा। लोको ने एक नया प्रोडक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है लोको लेजेंड्स, एंड अगर आपको भी फ्री NFTs चाहिए तो जाकर के बायो में लिंक है उससे 2 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो। एंड ये एक Web3 और NFT प्रोडक्ट है। अगर आसान तरीके से यार मैं आपको बताऊं तो NFT एक तरीके का डिजिटल एसेट है जिसके सिर्फ लिमिटेड ओनर्स हो सकते हैं। तो लोको लेजेंड्स पे आपको आपके फेवरेट स्टार जैसे कि स्काउट, जोनाथन, सिड, मावी, इनके NFTs खरीदने और बेचने का मौका मिलेगा।
साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि लोको लेजेंड्स पे आप फैंटेसी स्पोर्ट भी खेल पाओगे पूरे इंडियन ईस्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। लोको पहली कंपनी है जिसने अपना एनएफटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड जिनके पास लीगली सारे बीजीएमआई टीम्स के लाइसेंस्ड एनएफटीज हैं। तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट उस पर क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन कर लो। और सब वीडियो में आगे बढ़ लेते, हम स्काउट की बात कर रहे थे तो फिक्सेस रिसेंटली स्काउट के बारे में बात करते हैं कि इन रियल लाइफ स्काउट का नेचर कैसा है। व्हाट्स रीजंस टू लव स्काउट गाइस, देखो मेरे पास मेरे रीजंस हैं टू लव स्काउट। मेरा भाई जैसा है, ठीक है, हम स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिटी से ही हैं एंड आई हैव सीन हिम फ्रॉम हिज स्क्रैच टू वेयर ही इज राइट नाउ एंड चेंज नहीं हुआ है साड़। जब भी लैन में मिलता है सिर्फ बकचोदिया करता है ना, क्या ही बोलूं। अगर मेरे व्लॉग्स नहीं जा पाते वो स्काउट के वजह से है। ऐसे कैमरा खोला कुछ रिकॉर्ड करने बैठा, स्काउट पीछे से आएगा टूट पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ ये जो व्लॉगिंग वाले काम ना, सिर्फ केतु ही बेस्ट करता है इन प्लेस के अराउंड। मैं तो स्काउट के साथ व्लॉग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आइदर मेरा चैनल बंद होगा, ठीक है, नहीं तो तुम मुझे गालियां दोगे, स्काउट तो बच जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं मैडमैन के बारे में। सो रिसेंटली मैडमैन ने क्लिप अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पर जिसमें वो एक शेड के अंदर थे बट स्टिल उनपे शॉर्ट्स पड़ रहे थे। अरे यार ये कैसे नॉक हो गया। वेल आफ्टर रिसर्च ये एक ग्लिच है जो बहुत पहले से है एंड जिसमें हमें लगता है कि हम डोर के पीछे सेफ हैं बट असल में ऐसा नहीं होता। एंड इस टाइप के ग्लिच यार हमें केस 2 की वीडियोस में भी देखने को मिले हैं। तो बस यार आज की इस पर्टिकुलर डे में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ। ये पता है, ये देख रहे हो, ये पता कौन भेजा मेरे को, गेस करो। फोटोज भेजी गई, मैं तुमको बता दो, तुम्हें बता दो ये पता कौन भेजा है। अभी नीचे लड़की वाली फोटो भी है, मैं बता दो कौन भेजा है। सोमराज, मेरा एयरड्रॉप ऑन था, लाइन में ये भेज रहे हैं, ये भेज रहा सोमराज, बताओ तो क्या बोलेगा आदमी। एयरड्रॉप ऑन होने के बाद लॉन्डे ये भेज रहे हैं लाइन पे, सबको, एक आदमी को नहीं है, जिन जिन का एयरड्रॉप ऑन है सबको भेजा है।